बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है माधवी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। हाय, मैंने कहा आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं जरा वाइन के ग्लास को साथ में लेके बैठूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं रिएक्शन नहीं देने वाली हूँ। आज मैंने छोटा सा मोनोलॉग, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि नहीं बड़ी ताजा सीन ब्रेकिंग न्यूज आई है। मैं दो तीन दिन पहले आई थी, मगर यू नो मैं लेट हो जाती हूँ कभी कभार न्यूज देने में। बट एनीवेज, न्यूज ये आई है कि सऊदी अरब ने ये प्लान किया है कि वो वहां पे शराब खाना खोलेंगे, आई मीन अल्कोहल का एक शॉप खोलेंगे, यू नो। सो उसी बात पे चीयर्स हो जाएगा गाइस, चीयर्स चीयर्स। और ये एप्पल जूस नहीं है, बच्चों के लिए होता है। सो न्यूज ये आई है कि सऊदी अरब में पहला स्टोर खुल रहा है शराब खाने का, जहां पे दारू बिकेगी, जहां पे अल्कोहल बिकेगी, यू नो। अच्छा, तो लोग इस पे खूब खुश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखो कितनी चेंज हो गया सऊदी अरब, कितना चेंज हो गया, कितना फास्ट मॉडर्न उस पे आ गया, ये है वो, विच इज गुड। चलो पहला तो खुला, चलो पहली हर चीज पहली हुई है ना, इट इज गुड। मगर मैंने ये पूछना है कि क्या शराबें पहले नहीं पी जा रही थी सऊदी अरब में? ऐसे तो पाकिस्तान में भी शराब मना है, ऐसे तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में भी कोई ऐसी शॉप्स वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? पाकिस्तान में मरी ब्रूरी बनी हुई है पूरी की पूरी, वहां पे आपकी बियर भी बनती है, वहां वाटका भी बनती है और बहुत चीजें बनती है, और बक्सेस जाते हैं बॉक्सेस लोगों के घरों में, राइट। सो पार्टीज और जितने भी लोग आप लोग जानते हैं भैया, अरबी लोग, अरबी एक नंबर के अय्याश यार, वो बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं यार, मुर्गी और शबाब और कबाब, हाँ शबाब और कबाब साथ में चलता है भैया, सब साथ में चलता है। और जाम जाम रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा आएगा तब मजा आएगा। तो ये मजे कहाँ से कर रहे थे आप लोग, यहाँ लगता है पहले शराब ही नहीं चल रही थी, सब चल रही थी। अच्छा, ये जो न्यूज आई है तो मैं आपको पूरी तरह बता दूं कि न्यूज है क्या। एक्चुअली ये जो स्टोर खोला जा रहा है वो इस वजह से खोला जा रहा है और सिर्फ नॉन मुसलमानों के लिए ये है, तो आई एम सॉरी मुसलमानों, सऊदी अरब के मुसलमानों, तुम लोग अभी भी नहीं जा सकते वहां पर, तुम लोग अभी भी अंडर द टेबल जो है ना वो ब्लैक मार्केट वाली दारू खरीदनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी टू गिव यू दैट न्यूज, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए है और वो इस वजह से है क्योंकि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि उसके जो ताल्लुकात हैं वो दूसरे मुल्कों से अच्छे बन के रहें, राइट। उनके डिप्लोमेट्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो कहाँ से दारू खरीदेंगे, उनके लिए ये जगह खुली है, आपके लिए नहीं खुली है। मगर पॉइंट वो है ना कि भाई ये है कि ये जो हुआ है ये सिर्फ जो है जो बाहर के लोग आते हैं, जो नॉन मुस्लिम आते हैं उनके लिए है, राइट। मगर इससे पहले भी शराबें हो रही थी वहां पर, सऊदी अरब में सब कुछ होता है, यानी इन इस्लामिक ममालिक में बताया जाता है, आई डोंट नो अबाउट अफगानिस्तान, मगर मुझे इतना पता है कि अरबी मैंने यहाँ पे बड़े देखे हैं भैया, यहाँ पे मैं जिस अरबी से मिली हूँ वो दारू पीता है 99%। ये वैसे तो मैं पाकिस्तानी से ही मिली हूँ जो बहुत सारी दारू पीते हैं, तो जस्ट बिकॉज देयर मुस्लिम डजंट मीन दैट दे डोंट ड्रिंक। ये अच्छी चीज है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि भैया सऊदी अरब में ये चीज स्टार्ट हो गई है, एंड सऊदी अरब इज मेकिंग प्रोग्रेस, यू नो। वहां पर उन्होंने औरतों पे ही पाबंदी हटा दी, आप ड्राइविंग भी कर सकती हो, आप अकेले भी रह सकती हो, वो कॉन्सर्ट्स भी करवा रहे हैं वहां पर, यू नो दे आर ट्राइंग। मगर सवाल मेरा फिर वही उठता है कि ये हिपोक्रेसी क्यों, क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, जिन्होंने दारू पीनी है ना वो दारू मिलती है वहां पर, आप पूछ लो, अंडर द टेबल जो है ना सब कुछ होता है। कतर जो है ना, मैं जानती हूँ किसी को जो कतर होकर आए थे, वो कहते हैं अंडर द ग्राउंड क्लब था वहां पर, ये सारी आफ्टर आवर पार्टीज वगैरह सब कुछ होता है, बस ढंडोरा पीटा है कि ओए देखो 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 हमने पहली लिकर स्टोर खोल दिया, वो भी नॉन मुस्लिम के लिए। सो एनीवेज,
एक तरह से अच्छी बात भी है मगर दूसरी तरफ इनकी हिपोक्रेसी भी है। अब मैं इस हिपोक्रेसी का क्या करूं, इस हिपोक्रेसी का क्या करें, इसी उसमें मैं मेरे ख्याल से अपनी ग्लास ऑफ वाइन खत्म करती हूँ। मगर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इसका जो सच्चाई है ना वो आपको बता दूं कि हाँ ढंडोरा पीटा है, खोल ली तुम लोगों ने, खोल ली, खोलना पड़ेगा ना। वहां आ रहे हैं सारे गोरे, वो कहां, वो अपने पास लेकर आते थे पहले, वो अपनी इनको कोई वो दिया होता था डिप्लोमेट कुछ, वो तो अपनी दारू खुद लेकर आते थे, अब दारू आराम से मिल जाएगी तो उस पे भी आपने पैसे कमाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब पैसे नहीं कमाएगा, है हलाल, क्या हलाल कमाई आएगी हज के लिए। और मक्का पे जो रेस्टोरेशन होगी ना, जो कपड़ा चढ़ाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, वो दारू के पैसों से लेंगे अब ये। हाय सदके जाऊं मैं, हाय अल्लाह मियां, बस क्या बोले। एनीवेज गाइस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मैंने कहा छोटा सा वीडियो हो मगर काम का वीडियो होना चाहिए, ओके। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, पेट्रियन को ज्वाइन कीजिए और हमारे ओनली फैंस पेपैल के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, आप हमको ज्वाइन कीजिए पेट्रियन पे, पेपैल पे, ओनली फैंस पे और यहाँ की मेंबरशिप खरीदिए, ओके। मेंबरशिप लें, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।